हेलो एवरीवन, तड़का जिंदगी विद विभोर में एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज की मेरी रेसिपी है नट क्रैकर। हाँ, परेशान नहीं होइए, आज व्रत के दिन मैं आप लोगों को वो पैकेट वाले नट क्रैकर नहीं खिला रही हूँ। आज मैं आपको खुद बनाना सिखा रही हूँ फलाहार में। इसके लिए मूंगफली है, 1 टीस्पून के करीब काली मिर्च है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, नमक है, भुना जीरा है और 2 टेबल स्पून सिंघाड़े का आटा मैंने लिया है। आप तीखा और नमक दोनों अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। 1 टीस्पून के करीब मैंने ज़ीरा लिया है, भुना हुआ ज़ीरा है, और 2 कप के करीब मेज़रमेंट से मूंगफली ली है, उसे बिन के साफ़ कर लिया है। उसके बाद उसमें सारी चीज़ें मिलानी है, नमक, काली मिर्च और लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी अगर आप मिलाना चाहें तो शुगर मिला सकते हैं, भुना ज़ीरा मिला दिया। और इसमें इन सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद इसमें 2 टीस्पून के करीब ऑयल डालेंगे। मैं कढ़ाई में से ही ले रही हूँ, आप चाहें तो ठंडा भी ले सकते हैं तेल, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है कि गर्म ही होना चाहिए या ठंडा ही होना चाहिए। और ये 2 टेबल स्पून के करीब मैंने आटा लिया है, सिंघाड़े का आटा है ये। इसे पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लें, एक हल्की सी लेयर हो जाए उसके ऊपर, उसके बाद फिर आगे का प्रोसीजर शुरू करते हैं। पानी इसमें बहुत मिनरल लगेगा। बस ये समझ लीजिए कि जैसे छिट्टा मार के किसी चीज़ को लपेटना है, तो बस उसी तरह से थोड़ा थोड़ा छिट्टा मारते हुए लपेटना है। लगभग 1 टेबल स्पून के करीब मैंने इस समय पानी डाला है, उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फिर उसके बाद अगर लगता है कि ये बहुत सख्त है तो फिर थोड़ा सा पानी उसमें और ऐड किया जाएगा। इस तरह से करते हुए थोड़े से पानी में मैक्सिमम आधा कप भी पानी नहीं लगा होगा मेरा, और ये पूरा इसमें डो तैयार हो गया अच्छे से। आपका ये अच्छी तरह से मिक्स करके मूंगफली आपकी तैयार हो गई फ्राई करने के लिए, और यकीन मानिए बहुत ही बढ़िया है। अगर आपके पास आमचूर पाउडर हो घर का बना हुआ तो आप उसमें ऐड करें, अदरवाइज मार्केट का तो नहीं यूज़ कीजिएगा। लाल मिर्च भी मैंने मिक्सी की जार में पीस के लिया है, और अगर आपके पास लाल मिर्च घर की पीसी हुई ना हो तो उसे मत डालिए, क्योंकि व्रत में मार्केट का लाल मिर्च पाउडर या कोई भी मसाला या काली मिर्च पाउडर ही कुछ भी ये कहने के लिए नहीं है कि वो साफ़ होगा, आपके व्रत में खाने लायक होगा। इन सारी चीज़ों को देखिए अच्छी तरह से कोटिंग कर लिया है। ये स्पून से पहले आप अच्छी तरह मिला लीजिए, उसके बाद स्पून हटा के फिर हाथ से उसको मसल के अच्छे से मिलाइए। उसे हाथ से मसल के मिक्स करना ज़रूरी है, उससे एक आइडिया लग जाता है कि कितना वो गीला है, कितना सख्त है, किस तरह डालने पे उसके ऊपर कोटिंग हो रही कि नहीं हो रही है। स्पून से तो जो स्टार्टिंग में इसलिए मिलाते हैं कि अगर कहीं कुछ आपको डालना हो, ऐड करना हो, तो आप डाल सकते हैं, आपके हाथ साफ सुथरे रहेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद देखिए थोड़े थोड़े करके थोड़ा सा हाथ से तोड़ते हुए डालेंगे, आंच धीमी ही रखेंगे। मूंगफली के दानों को इस तरह से अलग अलग करके डालते हुए, अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा अलग करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप हाथ से थोड़ा सा एक बार फैलाते हुए डालिए। उसके बाद जब आप फ्राई करके निकाल लेते हैं तो पलटे से भी उसको दबाकर या हाथ से ही तुरंत तुरंत आप उसको क्रश कर देंगे तो वो बन के निकल के तैयार हो जाएगा, दाने अलग अलग हो जाएंगे। कुछ दाने तो जुड़े ही रहते हैं, वो तो जब हम लोग नट क्रैकर लेते हैं मार्केट का तो वो भी उसी तरह से बना रहता है, तो बहुत ही लाजवाब बनकर तैयार हुआ है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें व्रत में, मज़ा आ जाएगा कि मतलब मार्केट की नमकीन खाने का की इच्छा पूरी हो जाएगी कि आप मार्केट में व्रत में भी आप उतना बढ़िया खा रहे हैं। नट क्रैकर ये बन के तैयार हो गए, थोड़े से मैंने अभी तल के निकाले हैं, ये देखिए बहुत बढ़िया बने हैं। बाकी सब बना के निकाल लिए, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।